नमस्कार स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन दिस थर्ड लेक्चर ऑफ इंडिगो वी विल रिज्यूम आवर चैप्टर फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इट लास्ट टाइम इन लेक्चर सेकंड। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। आफ्टर मैनी डेज गांधी गोट ए रिटन लेटर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट informing him that the lieutenant governor of the province, the letter read that the lieutenant governor of the province of that province had ordered the case to be dropped. The letter informed Gandhiji that the case against him that was filed against him had been dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India, and with the case being dropped, civil disobedience that Gandhiji started there, had practiced there, had triumphed, had got victory the first time in modern India. पहली बार ये हुआ था modern India में कि civil disobedience की जीत हुई थी. People did not follow the civil rights. People did not follow the civil laws. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Gandhi and the lawyers, you do say other lawyers, the wakil, the advocates, they now proceeded to conduct a far-flung inquiry. अब उन्होंने स्टार्ट कर दी, प्रोसेस स्टार्ट कर दी टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, एक जांच शुरू कर दी. फार फ्लंग दूर दूर तक गहराई से जांच शुरू कर दी, छानबीन शुरू कर दी. इन टू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स, फार फ्लंग मीन्स डीप इंक्वायरी इन टू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स. जो फार्मर्स की ग्रीवेंसेज थी, जो कंप्लेंट्स थी, उनमें डीप इंक्वायरी स्टार्ट कर दी. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन. डिपोजिशंस जो फॉर्मल स्टेटमेंट थी नोट की गई, अबाउट 10,000 पेजेंट्स, लगभग 10,000 पेजेंट्स की, फार्मर्स की स्टेटमेंट्स वर रिटन डाउन, वो लिखी गई एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस थे, जो प्रमाण थे, उनके ऊपर नोट्स बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेन प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. द होल एरिया थ्रॉब्ड, पूरा जो एरिया था थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. वो इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करता थे, वहां के छानबीन करता जो थे, उनकी क्रियाओं से भर गया था, रोमांचित हो गया था. एंड द वीमेन प्रोटेस्ट, और जो जबरदस्त विरोध किए जा रहे थे ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो विरोध किया जा रहा था, उन क्रियाओं से भर गया था. थ्रॉब मींस पूरे एरिया में दीज थिंग्स वर प्रीवेलेंट. Evidence proof, throb produced a lot of vibrations due to a huge crowd. Investigators, the inspectors, women showing strong feeling, forceful, passionate or intense. Lieutenant governor, deputy governor, province, region, territory, civil disobedience, peaceful form of political protest. Triumph won, grievances, complaints, depositions, a formal written statement. Now we move ahead into the नेक्स्ट पैराग्राफ. इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. जून में गांधी जी को बुलाया गया, समन्ड, गांधी जी वॉज कॉल्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. उन्होंने गांधी जी को बुलावा भेजा. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसऑबिडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. बिफोर ही वेंट, जाने से पहले गांधी जी जो लीडिंग एसोसिएट्स थे,
जो सहायक थे उसके सपोर्टर्स थे, अग्रणी जो सहायक थे सपोर्टर्स थे उनसे वो मिले एंड फिर से ले डिटेल प्लान्स, विस्तार से प्लानिंग तैयार कर दी फॉर सिविल डिसोबीडियंस के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो लौट के न आए तो उन्हें क्या करना था, उसके लिए रूपरेखा उन्होंने फिर से तैयार कर दी। गांधी हैड फोर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद गांधी जी के प्रोटेक्टेड मीन्स लॉन्ग इंटरव्यूज, चार लंबे लंबे इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन टू द इंडिगो शेयर कॉपर सिचुएशन, जिसने एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक कमीशन आयोग नियुक्त कर दिया छानबीन के लिए, पूछताछ के लिए, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। इंडिगो शेयर क्रॉपर जो बटाईदार थे उनकी परिस्थिति में इंक्वायरी के लिए उन्होंने कमीशन नियुक्त कर दिया आधिकारिक। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में कंसिस्ट, इट वॉज मेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इट इन्वॉल्व द रिप्रेजेंटेटिव लाइक लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। सो इस कमीशन में शामिल थे जमींदार शामिल थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल थे एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, जो ओनली रिप्रेजेंटेटिव था किसानों का, फार्मर्स का, वो अकेला गांधी जी था, बाकी सारे द अदर पार्टी के शामिल थे, मीन्स लैंडलॉर्ड की तरफ से थे, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल थे, बट नॉट फ्रॉम द पेजेंट्स। फ्रॉम पेजेंट्स देर वॉज ओनली वन, दैट वॉज गांधी हिमसेल्फ। Someone called leading prominent popular associate supporters protected lasting for a long time, longer than expected or usual, and representative spokesperson or agent. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. Gandhi ji Champaran mein rahe for an initial अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। पहले जो फर्स्ट टाइम थे वो, जो फर्स्ट टाइम के लिए जब आए थे तो वो 7 months के लिए, 7 months के लिए लगातार चंपारण में रहे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उसके बाद भी कई बार वो चंपारण में आए, ही विजिटेड चंपारण। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटेड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। जो विजिट ऐसे ही अंडरटेकन कैजुअली, ऐसे ही जो विजिट की गई थी ऑन द एंटिटी ऑफ अनलेटेड पेजेंट, एक बिना पढ़े लिखे जो किसान था, एक अनपढ़ किसान के साथ संधि करके जो विजिट की गई थी, इस एक्सपेक्टेशन इन द होप दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, की यह कुछ दिन की विजिट होगी, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, इसने लगभग गांधी जी के जीवन का एक साल ले लिया, इट टुक वन ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन, उसने क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस मीन्स बहुत सारे एविडेंस, लोड ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, उन बड़े प्लांटर्स के खिलाफ इकट्ठे कर लिए ऑफिशियल इंक्वायरी ने। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब लैंडलॉर्ड्स ने, बिग प्लांटर्स ने उन एविडेंस को देखा, दे एग्रीड, तो वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल, सिद्धांतिक रूप में, टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, कि वे आपूर्ति कर देंगे, टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, दे विल मेक अप the loss they have caused to the farmers, or they will return what they have exploited from the peasants. But how much must we pay? Lekin kitna pay karna hoga? They asked Gandhi. Unhone Gandhi ji se ye baat puchi. Initial at the start, uninterrupted, continuous, entity, an earnest or humble request, a shamble gathered. They thought
he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. They thought, उन्होंने सोचा, he would demand repayment in full of the money, कि वो full of money, they thought he would demand repayment in full of the money. Landlords ने ये सोचा था, he would demand repayment in full of the money, कि गांधी जी would demand full money they had extorted from the peasants, but which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. जिस जो उन्होंने क्या किया था, illegally, गैर कानूनी रूप से, एंड डिसिटफुली, और धोखा देकर, चीटफुली, एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदारों से वसूली थी, बट ऐसा नहीं हुआ. ही आस्ट ओनली 50%, गांधी आस्ट ओनली 50% इन रिपेमेंट. देयर ही सीम्ड एडमिट, और इस बात पर वो अडिग प्रतीत हुए कि वो इससे कम में नहीं मानेंगे. राइट्स रेवरेंट जे जेड होज, ये रेवरेंट जे जेड होज लिखते हैं, ब्रिटिश मिशनरी, जो एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो, इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए हुए थे, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी नजदीक से ऑब्जर्व किया था, देखा था. थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. Thinking probably, संभवतः ये सोचते हुए कि गांधी जी हैं वो नहीं, not give way, उन्हें की बात नहीं मानेंगे या वो इससे कम में नहीं मानेंगे, एडमिट रहेंगे, the representative of the planters, तो जो प्रतिनिधि थे planters के, उन्होंने ऑफर किया टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि हम जो मनी उन्होंने एक्सटोर्ट की है शेयरक्रॉपर से, उसका 25% वो पे कर देंगे वापस. एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी ने जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उसको हैरान करते हुए उसकी बात को शब्द से ले लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है 25%, ही एग्रीड टू दिस, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. इस तरह से उनके बीच जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया, उनके बीच जो असहमति थी वो खत्म हो गई. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन, इस सेटलमेंट को स्वीकार कर लिया गया यूनैनिमसली बाय द कमीशन, कमीशन के सभी लोगों द्वारा बिना किसी विरोध के. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Gandhi ji ne explain kiya ki jo rasi hai refund ki was less important, ye kam mahatvapurna thi, than the fact, bajaye ki sachchai ke, ki jo landlords hain had been obliged, ne badhya kar diya gaya hai, to surrender part of the money, inhe अपने धन से अलग होने के लिए विवश कर दिया गया था. एंड विद इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, इनका सम्मान भी, इनका कुछ सम्मान भी इनसे जाता रहा था, अपना सम्मान भी इन्हें खोना पड़ा था. देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न्ड, इसलिए जहां तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउट द लॉ, प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, उन्होंने कैसा व्यवहार किया था इससे पहले, एज लॉर्ड्स, स्वामी के रूप में, अबव द लॉ, वे कानून से ऊपर थे, लॉर्ड्स की तरह कानून से ऊपर थे. नाउ द पेजेंट सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब एक किसान को, मीन्स एक चंपारण के किसान को ये मालूम पड़ गया था, उसने देख लिया था, ही हैड राइट्स, कि उसके कुछ अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उसके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी थे. He learned courage, वह साहसी बन गया, चंपारण का जो फार्मर था वो साहसी बन गया. Deceitfully, dishonestly, extorted, took forcibly, admit firm, amazement, surprise, obliged, required, made legally bound to do something, deadlock, a situation in which no progress can be made, unanimously, without opposition, prestige, honor, esteem, डिफेंडर्स प्रोटेक्टर, इवेंट जस्टिफाई गांधी पोजिशन, बाद में जो घटनाएं घटी
उन्होंने गांधी जी की पोजिशन को बिल्कुल ठीक ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स। कुछ ही वर्षों में, अगले कुछ ही वर्षों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अपनी संपत्तियों को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी संपत्तियां छोड़ दी, विच रेवर्टेड टू द पेजेंट्स, विच वर गिवन बैक टू द पेजेंट्स, जो वापस किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिस्पियर्ड और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो सिस्टम था वो वहां से गायब हो गया। नील खेती, बटाई पर जो नील खेती की जाती थी वो प्रथा वहां से गायब हो गई, जाती रही। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल, बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक हलों से अपने आप को संतुष्ट नहीं किया। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने देखा कि यहां पे सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ापन है चंपारण के गांव में, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे वो। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, इस टू रिमूव दिस कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क। ही अपील फॉर टीचर्स, और उसने आह्वान किया अध्यापकों के लिए। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर फॉर द वर्क। महादेव देसाई और नरहरि पारेख जो दो युवक थे जो उन्होंने गांधी जी के अभी नए नए शिष्य बने थे, और उनकी पत्नियां भी, वो इस काम के लिए आगे आए, वॉलंटियर फॉर द वर्क। दे विलिंगली केम अहेड टू डू दिस वर्क। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और कई अन्य बॉम्बे, पुणे और दूसरे भारत के दूसरे हिस्सों से आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था देवदास, वो भी आश्रम से आ गया, और मिसेस गांधी कस्तूरबाई गांधी भी आ गई, जो कस्तूरबा गांधी थी वो भी आ गई, द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन सिक्स विलेजेस। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल खोल गए सिक्स विलेजेस में। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई ने आश्रम के नियम सिखाए व्यक्तिगत सफाई पर और सामुदायिक सफाई पर। जस्टिफाइड मार्क्ड बाय ए गुड और लेजिटिमेट रीजन। Abandoned, deserted, inhabited, estate, property, reverted, returned, contented, willing to accept something, satisfied. Health conditions were miserable. आगे हम जानेंगे इसमें कि जो health conditions थी of the Champaran villages were miserable. वो काफी दयनीय थी. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया टू वॉलंटियर, जो अपनी सेवा देना चाहता था विलिंगली 6 महीने के लिए फ्री में। 3 medicines वर अवेलेबल, और 3 दवाइयां उपलब्ध थी, कास्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कास्टर ऑयल, जैतून का तेल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की जो मल्हम थी वो। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. जो भी coated tongue, means जिसकी भी जीभ पर मैल की परत होती थी, he was given a dose of castor oil. उसे castor oil, errand का जो तेल होता है उसकी खुराक दे दी जाती थी dose. Anybody with malaria fever received मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कास्टर ऑयल, और जिसको मलेरिया फीवर होता उसको क्विनीन के साथ कास्टर ऑयल की डोज, दवाई डोज दे दी जाती थी। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस जिसको फोड़े फुंसियां होती, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, उसको कास्टर ऑयल के साथ, एरेंड ऑयल के साथ सल्फर की जो मल्हम थी वो दे दी जाती थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने देखा
जो फिल्थी, जो डर्टी स्टेट थी औरतों के कपड़ों की, जो अवस्था थी वो काफी गंदी थी, मीन्स गंदे कपड़े पहनती थी वो. ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. गांधी जी ने अपनी पत्नी को कहा कि वो इन औरतों से इसके बारे में बात करे. वन वुमेन टुक गांधी टुक कस्तूरबाई गांधी इन टू हर हट एंड सेड, लुक देर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स. एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में लेकर गई और बोली, लुक देखो, देर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड, कोई संदूक या अलमीरा नहीं है कपड़ों के लिए यहां पर. द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहने हुए हूं केवल मेरे पास एक यही साड़ी है. सो पुअर स्टिकन वर द पीपल ऑफ चंपारण, मिजरेबल अनहैप्पी सैड वॉलंटियर ए पर्सन हु ऑफर्स हिज सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट. इरप्शन हेयर स्पॉट रैश और अदर मार्क अपियरिंग सडनली ऑन द स्किन ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण. गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और लंबे समय तक चंपारण में रहने के दौरान गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. गांधी जी दूर से ही, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, दूर से ही निगरानी रखते थे आश्रम के ऊपर. दैट वॉज इन गुजरात अहमदाबाद. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, वो नियमित तौर पे निर्देश देते रहते थे मेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा. एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वित्तीय स्थिति के बारे में पूछते रहते थे. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old Latin trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने वहां के निवासियों को लिखा कि समय आ गया है कि अब वो अपने पुराने जो लैटिन के डब्बे, जो पुराने लैटिन के ट्रेंचेस गड्ढे हैं, उनको वो भर दें. एंड डिग न्यू वंस, और नए खोद लें, नहीं तो जो पुराने हैं उनसे बदबू आनी शुरू हो जाएगी. द चंपान एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. चंपान का जो घटना थी, चंपारण की जो घटना थी, वो द टर्निंग पॉइंट, वो एक महत्वपूर्ण घटना थी गांधी जी के जीवन में. टर्निंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट चेंजेस द वे द जर्नी अहेड. व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग. गांधी जी ने कहा जो मैंने वहां पे किया, ही एक्सप्लेन्ड वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही साधारण सी चीज थी. आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि ब्रिटिश मुझे आदेश नहीं दे सकते अबाउट इन, मुझे कहां जाना है नहीं जाना है, मेरे अपने ही देश में मुझे घूमने के बारे में, जाने के बारे में आदेश नहीं दे सकते. इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर कमांड्स रेजिडेंट्स लोकल्स. नाउ वी मूव अहेड. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस. चंपारण कोई डेफियंस एक्ट के रूप में शुरू नहीं हुआ कि हमें क्या करना है, अपोज करना है, विरोध करना है. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स. इट ग्रू आउट, यह तो निकला है ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था हमारा, टू एलिवेट, टू लेसन द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स. जो बड़ी संख्या में गरीब किसान थे उनके दुख को कम करने के प्रयास से निकला हुआ कार्य है, एपिसोड है. दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न. यह गांधी जी का एक विशेष पैटर्न था, मेथड था. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. उनकी जो राजनीति थी वर इंटरट्वाइंड, उनकी जो राजनीतिक विचारधाराएं थी वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स. वो इंटरकनेक्टेड थी, प्रैक्टिकल व्यावहारिक दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी लाखों लोगों की, उनसे संबंधित थी, उनसे जुड़ी हुई थी. हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस. वे कोई विचारों के प्रति वफादारी नहीं थी, उसकी जो विचारधारा थी वह विचारों के प्रति वफादारी वाली नहीं थी. इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि ये तो
एक उनकी वफादारी थी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव के लिए, कि वो सजीव मानव के लिए कितना वफादार है. इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड, हर चीज में गांधी जी ने जो किया है, मोर ओवर ही ट्राइड, या उसने इससे ज्यादा कहेंगे कोशिश की है, टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फिट एंड दस मेक इंडिया फ्री. उन्होंने मोल्ड, एक स्वरूप देने की कोशिश की है, टू गिव ए फॉर्म, टू गिव ए शेप, क्या, ए न्यू फ्री इंडियन, एक नया स्वतंत्र भारतीय, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फिट, जो अपने पैरों पर खड़ा उसके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और फिर वो भारत को मुक्त करा सके, स्वतंत्र करा सके, इंडिपेंडेंट करा सके. डेफियंस, अपोजिशन, एलिविएट, अपलिफ्ट, डिस्ट्रेस, टॉर्चर, इंटरट्वाइन, ट्विस्टेड, ब्रीज्ड, निटेड, एब्स्ट्रैक्शन, समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया. अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, early in the Champaran, in the beginning, Champaran action ke shuruaat mein, Charles Freer Andrews, the English pacifist, jo Charles Freer Andrews the, angrezi shantivadi the, pacifist, a person who believes in peace and he does not believe in wars and weapons, a person who wants to establish peace in this world. The English pacifist, who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Yeh Angrezi Shantivadi, who had become a devoted follower, jo ki ek follower ban chuka tha, ek pakka follower ban chuka tha, supporter ban chuka tha, anuyayi ban chuka tha Mahatma ka, came to bid Gandhi farewell, who Gandhi ji से अलविदा लेने के लिए आया, टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी को अलविदा कहने आया, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, जिससे पहले कि वो टूर पर जाए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए टूर पर जाए, फिजी आइलैंड जाए, उससे पहले वो गांधी जी से मिलने के लिए आया, उनसे अलविदा लेने के लिए. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Gandhi ji ke jo wakil mitra the, unhone socha, it would be a good idea for Andrews to stay. Ye achha vichar hoga that Andrew should stay in Champaran. Andrew Champaran mein ruke and help them aur unki madad kare. Andrews was willing if Gandhi agreed. Andrews sehmat bhi the, yadi Gandhi ji iski sehmati de de, wo willing the, wo chahte bhi the madad karna. गांधी जी इस बात की सहमति दें तो, बट गांधी वॉज विमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इस बात का बहुत ही विरोध किया. ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड. उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि इस आसमान लड़ाई में ये मददगार होगा यदि हमारी तरफ कोई अंग्रेज हो. This shows the weakness of your heart. ये तुम्हारे दिल की weakness को show करता है. उन्होंने अपने वकील मित्रों से कहा, ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को शो करता है. The cause is just. हमारा जो ये effort जो हम कर रहे हैं, the cause is just. हमारा जो कारण है यहाँ पे होने का और इस कार्य को करने का, take the cause hat, ये उचित है. Just means here, उचित है. And you must rely upon yourselves to win the battle. और तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए to win the battle, इस लड़ाई को जीतने के लिए. You should not seek a prop in Mr. Andrews. Prop means here help, assistance. तुम्हें Mr. Andrews के रूप में सहायता नहीं खोजनी चाहिए, because he happens to be an Englishman. क्योंकि वो एक अंग्रेज है, इस वजह से आपको उसमें सहायता नहीं खोजनी चाहिए. He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply Gandhi in this way
टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने हमारे दिमाग को ठीक से पढ़ लिया था, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हुए कहते हैं ये बात, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास गांधी जी के इस पर्सन का कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ लाइंस आत्मनिर्भरता का, सेल्फ सफिशियंसी का, सेल्फ सपोर्ट का एक सबक सिखाया, पाठ सिखाया। सेल्फ लाइंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉर्पस वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता एंड हेल्प टू शेयर कॉर्पस और बटाईदारों की मदद वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सारे इकट्ठे जुड़े हुए थे, ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे। पैसिफिस्ट, पीसमेकर, वीमेंटली इन एन इंटेंस मैनर, सेल्फ लाइंस, सेल्फ सफिशियंसी, प्रॉप स्पॉट। सो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड कंप्लीट योर चैप्टर इन ड्यू टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट। Watch all the videos twice, thrice and take a reading of the chapter in the textbook.